हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज लेकर आया हूँ अग्निवीर जीडी ट्रेडमेंट क्लर्क नर्सिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके और जीएस 20 क्वेश्चन। देख लीजिए, यहाँ पे आपका सभी का सभी ओरिजिनल पेपर से उठाकर लेकर आया हूँ। एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं लेकर आया हूँ। सभी जो आपका ओरिजिनल पेपर पूछा गया 15-16 में, वही पेपर से लेकर आया हूँ। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा तरह पढ़ लीजिए और यही प्रश्न आपका आने वाला जो अग्निवीर का एग्जाम होगा वहाँ पे 100% पूछा जाएगा, क्योंकि आपका पीवीआर शेयर का क्वेश्चन हमेशा ही रिपीट हो जाता है, इसीलिए आज लेकर आया हूं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा है। इसी 20 में आपका टारगेट कितना रहेगा? टारगेट रहेगा 16 क्वेश्चन तो जरूर आना चाहिए आपका इसी प्रश्न पत्र में। और जिस बंदा हमारा चैनल में नया हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि इसी तरह डेली का डेली क्वेश्चन मिलता रहेगा हमारा चैनल में। तो दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन में आ गया है, देख लीजिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है हॉटेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। देख लीजिए सौरमंडल में सबसे गर्मी ग्रह कौन सा है बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे तो आप ऑप्शन देकर ही बता दिया, ऑप्शन 4 होगा सॉरी आंसर, नन ऑफ दिस होगा सॉरी आंसर, क्योंकि हॉटेस्ट ग्रह जो शुक्र ग्रह होता है, इंग्लिश में विनर्स प्लैनेट कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, शुक्र ग्रह हो, यहाँ पे तो नन ऑफ दिस दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड क्रॉस डे सेलिब्रेटेड व्हिच डे। देख लीजिए रेड क्रॉस दिवस कब मनाता है बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऑप्शन 3 को चुना तो बहुत अच्छा, जो 8 मई होगा सॉरी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड व्हिच सॉरी यहाँ पे सिटी होगा, स्टेट नहीं होगा, देख लीजिए सिटी होगा, शहर होगा। तो दोस्तों वन अनुसंधान जो संस्था है कौन से शहर में स्थित है बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों ऑप्शन 3 होगा सॉरी आंसर, देहरादून शहर में पड़ती है वन अनुसंधान संस्था हमारे देश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ मेघालय, मेघालय का राजधानी का नाम क्या है बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऑप्शन 3 को चुना तो बहुत अच्छा, जो मेघालय में जो राजधानी का नाम होता है शिलांग, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो वाज इन्वेंटेड बाय, देख लीजिए रेडियो का खोज किसने किया था बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऑप्शन 1 को चुना तो बहुत अच्छा, जो गुगलिमो मार्कोनी होगा सॉरी आंसर, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है डायलिसिस इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, देख लीजिए डायलिसिस का उपचार किस रोग के लिए उपचार किया जाता है बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। ट्रीटमेंट किया जाता है, चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऑप्शन 3 को चुना तो बहुत अच्छा, जो किडनी गुर्दे के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है, डायलिसिस नामक ट्रीटमेंट यूज किया जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले देख लीजिए, हमारा एक ही बात है, आप इंडियन आर्मी का एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो जरूर आप पीवीआरसीआर का क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्योंकि आपका जो 15 साल में जो क्वेश्चन पूछा गया वही क्वेश्चन आपका 16 में पूछा जाता है। जिस क्वेश्चन 16 में पूछा जाता है वही क्वेश्चन आपका 17 में इसी तरह हमेशा के लिए रिपीट हो जाता है। आपका आर्मी का क्वेश्चन आपका ईआरओ में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया पिछले 5 ईयर का वो आप पढ़ लिया तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा तरह क्लियर हो जाएगा। इसीलिए हमारा टीम आपके लिए लेकर आया है आपका ईयर होगा 5 ईयर का 2015 से लेकर 20 तक जितने भी ओरिजिनल पेपर पूछा गया हमारा पास है, आप चाहे तो खरीद सकते हो जस्ट 89 रुपया पेमेंट करके, फोन पे गूगल पे पेटीएम के जरिए पेमेंट करके आप ले सकते हो। तो दोस्तों पेमेंट के पहले जरूर इसी नंबर पर कॉल कीजिए और पेमेंट प्रोसेस सभी जानकारी ले लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका पहले कॉल करना होगा, कॉल के बाद आपका पेमेंट प्रोसेस सभी जानकारी मिल जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिए हमारा जो पीडीएफ है ओरिजिनल पीडीएफ 5 ईयर का किस तरह है देख लीजिए। तो दोस्तों देख लीजिए ये आपका जनरल ड्यूटी का ईआरओ जोधपुर का, देख लीजिए चाहे आप ईआरओ जोधपुर से हो, चाहे आप ईआरओ चेन्नई से, दिल्ली से, ईआरओ लखनऊ, पटना, कोलकाता, कोई भी एआरओ से हो आप जरूर डिस्क्रिप्शन में नंबर है उसी नंबर पे कॉल कीजिए और आपका एआरओ का नाम बता दीजिए और आप पेमेंट करके 5 ईयर का क्वेश्चन ले लीजिए, क्योंकि आपका जो 5 ईयर का क्वेश्चन पूछा गया वो आप देख लिया तो वहाँ पे देखकर ही आपका समझ आ जाएगा किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है और वही प्रश्न आपका पूछा जाएगा, इसीलिए हमारा टीम तो आपके लिए लेकर ही आया है। तो दोस्तों जरूर कॉल कीजिए, कॉल टाइम अवेलेबल है, कॉल करके पेमेंट प्रोसेस सभी जानकारी ले लीजिए, वीडियो के बाद कॉल करके आप ले लीजिए आप का यारों का क्वेश्चन। तो दोस्तों
किस तरह क्वेश्चन है मैं दिखा देता हूँ आपको, हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में मिल जाएगा, देख लीजिए इसी तरह आपका मिल जाएगा हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में, बहुत ही अच्छा बात है। तो दोस्तों जरूर एक बार कॉल कीजिए और आपका ERO का क्वेश्चन ले लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपका हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में मिल जाएगा, ऑल इंडिया का क्वेश्चन है हमारा पास, आप चाहे तो ले सकते हो। तो दोस्तों इसी नंबर पे आपका कॉल करना होगा, कॉल टाइम अवेलेबल है, जब मन चाहे कॉल कर सकते हो, कॉल करने के बाद आपका पेमेंट प्रोसेस सभी जानकारी मिल जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नॉन एज फादर ऑफ जियोमेट्री, देख लीजिए ज्यामिति का पिता किसको कहा जाता है, बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऑप्शन चुनिए, चार ऑप्शन में सॉरी आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन टू को चुना तो बहुत अच्छा, यूक्लिड होगा सॉरी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ब्लैक पेपर इन इंडिया, देख लीजिए भारत का, भारत में काला मरीच का सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है कौन से राज्य में, बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऑप्शन टू को चुना तो बहुत अच्छा, जो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा काला मरीच का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ ईरान, देख लीजिए ईरान का पुराना नाम क्या है, बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऑप्शन चुनिए, चार ऑप्शन में सॉरी आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऑप्शन थ्री को चुना तो बहुत अच्छा, जो पर्शिया होगा सॉरी आंसर, पर्शिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले, आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, लाइक तो नहीं कर रहे हो, तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारा दिल को मोटिवेशन दिला दीजिए। और इसी प्रश्न पत्र आपका ज़्यादा से पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए कीजिए, हाँ कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंसलिंग इन इंडिया इज कॉन्टेक्ट आफ्टर एवरी ईयर, देख लीजिए भारत का कितने वर्ष का अंतरकाल में जनगणना आयोजित होता है, बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऑप्शन थ्री को चुना तो बहुत अच्छा, जो 10 ईयर के बाद होता है, जो आपका 11 में पूछा जो हुआ जनगणना, वो आपका 10 ईयर के बाद होगा, 10 ईयर के बाद होगा, इसीलिए 10 ईयर होगा सॉरी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द सेंचुरी इज नॉट एनफ, देख लीजिए ये पुस्तक किसने लिखा था, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ ये पुस्तक किसने लिखा था, बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऑप्शन वन को चुना तो बहुत अच्छा, जो दादा सौरव गांगुली होगा सॉरी आंसर, ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्ड डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, देख लीजिए दुनिया का सबसे पुराना शहर कौन सा है, बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऑप्शन थ्री को चुना तो बहुत अच्छा, एथेंस होगा सॉरी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स समिट 2022 हेल्ड इन, देख लीजिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो 2022 में होगा वो कहाँ पे होगा, बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। हो गया लेकिन कहाँ हुआ था, बता दीजिए। चार ऑप्शन में सॉरी आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन टू होगा सॉरी आंसर, चाइना में हुआ ब्रिक्स समिट 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देख लीजिए विद्युत धारा का SI इकाई क्या है, बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऑप्शन वन को चुना तो बहुत अच्छा, जो इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट होता है एम्पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइटेस्ट गैस इज, देख लीजिए ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया इसलिए दे दिया। तो दोस्तों बता दीजिए सबसे हल्की गैस कौन सा है, चार ऑप्शन में सॉरी आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन वन होगा सॉरी आंसर, हाइड्रोजन होगा सॉरी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ अवार्ड इस्टेब्लिश हुई ईयर, देख लीजिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब शुरुआत हुआ था, बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऑप्शन थ्री को चुना तो बहुत अच्छा, जो 1961 में स्टार्ट हुआ था। और एक क्वेश्चन आता है, ज्ञानपीठ अवार्ड किससे साथ संबंधित है, ये आपका लिटरेचर जो साहित्य के साथ संबंधित है ज्ञानपीठ अवार्ड का, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, स्मॉलेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी, देख लीजिए मानव देह में सबसे छोटा ग्रंथि कौन सा है, बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सॉरी आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन वन होगा सॉरी आंसर, पिट्यूटरी ग्लैंड होगा सॉरी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमोसफियर, देख लीजिए वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का
कितने प्रतिशत रहता है बता दीजिए। चार ऑप्शन में आप सटीक आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन 3 होगा सटीक आंसर, जो 0.03% होगा सटीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर पेनिसिलिन। देख लीजिए, डिस्कवर से एक दो क्वेश्चन जरूर देता है आपका ओरिजिनल पेपर में। तो दोस्तों पेनिसिलिन का खोज किसने किया था बता दीजिए। यहाँ ये क्वेश्चन आपका देखकर अंदाज भी आ सकते हैं किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये ओरिजिनल पेपर है जो आपका PBRCR में जो आपका बड़े भाई जो एग्जाम दिए गया वही क्वेश्चन उठाकर दे दिया। तो दोस्तों बता दीजिए, चार ऑप्शन में आप सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन 1 होगा सटीक आंसर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग होगा सटीक आंसर। फ्लेमिंग का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन हो गया है, 20 में कितना क्वेश्चन आता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और आपका ईयरों का 5 ईयर का क्वेश्चन हमारा पास अवेलेबल है, आप चाहे तो खरीद सकते हो, जस्ट 89 रुपया में आपका मिल जाएगा 5 ईयर का क्वेश्चन। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उसी नंबर पर कॉल करके आप खरीद सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।